मैंने आज उड़ती कला कहा ना। उड़ती कला मतलब जंप करना, तो और ठहरती कला विस्तार के संस्कार, ये है उड़ना, सॉरी चलना। सार रूप के संस्कारों, हर बात के विस्तार में जो जाएगा ना, उसकी चलती कला है। हो गया उसके बाद कितना फास्ट कट शॉर्ट होता है, वो है उड़ती कला। तो इसलिए सार और विस्तार का मतलब है सार रूप में कैसे जाए, कोई बात हो गई और विस्तार रूप में जाना, और एक है सार रूप में जाना। विस्तार वाला कर्म में फोकस करेगा, फीलिंग्स में फोकस करेगा। देखो उसने मैं आई हूँ रिस्पेक्ट नहीं दिया, कर्मों में फोकस है, उसके अंदर बहुत ईगो है, फीलिंग्स में फोकस है, मतलब विस्तार है। और सार वाला, अभी इसमें सार क्या हो सकता है, मैं आई खड़ा भी नहीं हुआ, देखा भी नहीं, रिस्पेक्ट भी नहीं दिया, तो है राइट है ना, दिखाई दे रहा है कि ईर्ष्या है, ईगो है, नहीं इसलिए नहीं रिस्पेक्ट दिया। तो इस पर ये फीलिंग्स आना, ये है विस्तार। और सार क्या है इसका, आत्मा में वो बिचारी आत्मा बहुत दुखी है, आत्मा वीक है, इसलिए वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। तो इसलिए कितनी बार दुनिया में मैक्सिमम कर्म और एट द मोस्ट फीलिंग्स पे फोकस होता है, आत्मा पर फोकस नहीं करते कि बात क्या है कि वो इतना क्रोध कर रही है, बात क्या है कि वो आत्मा इतना ईर्ष्या कर रही है, क्योंकि वो आत्मा की बैटरी बहुत डाउन है, तो बैटरी अप करना है उसका, आत्मा की। उड़ती कला मतलब आत्मा में फोकस। तो जब हर बात में हम, जो भी बात हुई, जिसने भी कुछ भी किया, अगर सार रूप में एक ही संकल्प आ जाता है ना, ये आत्मा बहुत वीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे किसी का शरीर बहुत वीक है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि ये बोझा उठाए, तो वो ये स्ट्रेस ले भी नहीं सकते। हम सोचते कि इतना सा बोलने में क्या हुआ, क्योंकि वो स्ट्रेस, क्योंकि आत्मा वीक है ना, तो इतना सा भी वो ले नहीं सकते। तो क्या करना होता है, उस आत्मा को शक्तिशाली खिलाओ पिलाओ ना, तो उस आत्मा को अपने संकल्पों की शक्ति देना, ये हाँ, वीक हो गई वैसे, इसलिए। और तो उसके लिए ये परमत की फीलिंग, ये परमत विस्तार में जाना है। तो ये हम इन सब बातों पर पूरे हफ्ते भी फोकस करेंगे। परमत का मतलब है दूसरे के व्यूज का असर होते जाना, रॉन्ग सुनना, और वो भी फेथ और इंटरेस्ट से, उसका मेरे ऊपर फेथ और मेरा उसकी बातों में इंटरेस्ट, दोनों कनेक्टेड है। रॉन्ग सुनने में नहीं है तो क्या नहीं सुने, वो बड़ा इच्छा, लेकिन खाली ये तीन दोनों चीजें नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं हो, हमारे तरफ से जो इंटरेस्ट होना है वो नहीं हो, और मैं कुछ, और वो बातें परमत जिसमें बाबा ने कहा कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती, कौन सी बातें न्यूज़पेपर की ऐसी है जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते और बड़ी इंटरेस्ट से सुनते हैं, बोलो भाइयों में थोड़ा है ना, हाँ, क्राइम और पॉलिटिक्स, इस सरकार ने ऐसा कहा, इसने ये बोला, इसने वो बोला, कितना अच्छा मुद्दा का विषय है, चर्चा का विषय होता है, और ये सब हिसाब किताब बनाता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, और दूसरा उसकी हैबिट क्रिएट करना, कूड़े का डिब्बा बनना, और उसमें अपने उस आत्मा के प्रति इंप्रेशन हो के नो सेवा। तो ये वाला सारा अगर है, 5-6 मतलब पर्वत है, श्रीमत मतलब सुनते हुए नो इफेक्ट और श्रेष्ठ कल्याण का भाव बना रहा, ये है श्रीमत। सुनो पर मेरा इतना से भाव और भावना चेंज, हम है हम सब पावरफुल, कितना सा भी चेंज ना हो उसकी भावना,
सुनते हुए, बहुत रॉन्ग न्यूज बताई उसने, ऐसा किया। ये है आत्मा पे फोकस, इसलिए ये वाला पुरुषार्थ हम करेंगे। किसी की भी कोई भी एक्सट्रीम बातें सुनते हुए आप चेक करो, सुनना भी है ठीक है, लेकिन और एकदम कल्याण की भावना चेंज ना हो, इसको कहेंगे नेक्स्ट, इसको कहेंगे पूर्ति कला। ये महानता किसे कहेंगे, बहुत रॉन्ग बातें आपकी सुनी पर मेरी इतनी सी भी कल्याण की भावना चेंज नहीं, और हर आत्मा निर्दोष है। एक्चुअली ये वाला प्रैक्टिस भी बहुत हेल्प करता है कि बेचारी निर्दोष है, उसको पता ही नहीं अज्ञान है निर्दोष है। यह प्रैक्टिस पांच सोल के लिए ट्राई कर सकते हैं कि आत्मा जो हमारे साथ रहते हैं ना, या जिनके लिए पता है कि उसके लिए निर्दोष है, ये महानता है। एटीट्यूड तो नहीं चेंज करो, बाकी कहाँ हमको डिसीजन लेना होता है वो अलग बात है, एटीट्यूड नहीं चेंज करो तो ये करना है। ये है सुप्रीम टीचर की पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ाएगा, ऐसी स्कूल हमको कोई देगा, न्यूज देवता बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना, बना रहा है ना? तो ऐसी सुप्रीम बाबा, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्यार के साथ पढ़ाना, टीचर और छड़ी न ले, टीचर और इतने लाडले लाडले कहे, कोई भी टीचर लाडला लाडला नहीं कहता है, मीठा मीठा कहता है, मीठे बच्चे स्टार्ट ही मीठे बच्चे से, माय डियर स्वीट चिल्ड्रन कोई टीचर बोलता है? तो ऐसा टीचर कितना प्यारा टीचर है, तो ऐसे टीचर को हमको कितना रिस्पेक्ट देना है, और उसका रिस्पेक्ट देना मतलब ही क्या रिस्पेक्ट होगा उसका, पहला रिस्पेक्ट टीचर का, पढ़ाई अच्छी करो अच्छी तरह से करना। दूसरा रिस्पेक्ट टीचर का, हाँ क्लास में आना, कौन समझता है मुझे बहुत रिस्पेक्ट है टीचर से, जो बहुत बहुत समझते हैं अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट है, इसका मतलब ये है कि क्लास मिस नहीं करना। जिस स्टेज में हम अच्छे खासे कर रहे हैं, बैठ सकते हैं और क्लास मिस करें, ये टीचर का डिसरिस्पेक्ट है। डिसरिस्पेक्ट है कि नहीं, कि टीचर इतना दूर से आया। टीचर्स डे के दिन आज सभी को आना चाहिए, या नहीं आए हैं तो बाद में आए, ये टीचर का रिस्पेक्ट है, वो टीचर्स डे मनाएगा। ठीक है, ओके जी।